तो दोस्तों यदि आपने भी अपना एसएससी का रजिस्ट्रेशन करने में या फिर एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है और आपसे फाइनल सबमिट भी हो गया है तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है बल्कि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है तो इसको लेकर भी आपको बेहतरीन सोल्यूशन दिया जाएगा। वहीं अगर आपके मॉडिफिकेशन करने की लिमिट ओवर हो चुकी है तो अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। इसके अलावा फीस पेंडिंग प्रॉब्लम को भी यहां पर सॉल्व किया जाएगा और अगर आपने फोटो जो ऐड किया है वहां पर वो विदाउट डेट का फोटो अपलोड कर दिया है तो ऐसे में क्या आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने अभी अभी अपना एसएससी में रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करने में आपने कोई मिस्टेक कर दी है लेकिन आपने उस गलत रजिस्ट्रेशन से कोई भी अभी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो बस रुक जाइए, क्योंकि अगर आप उस गलत रजिस्ट्रेशन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा और जिस वजह से आगे चल के भर्ती में आपको बाहर होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत बार जब हम कोई भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं एसएससी में, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, तो बहुत सारे नए कैंडिडेट होते हैं क्या करते हैं कि जब वो एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती कर देते हैं, हालांकि उस गलत रजिस्ट्रेशन से उन्होंने कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है उसे आपने वैसा ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपने डिटेल्स को चेंज करके एक दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उस दूसरे रजिस्ट्रेशन से जो भी आपके एसएससी के फॉर्म निकले होते हैं उसको आपने अप्लाई कर देना है। हालांकि जो आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन होगा उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होगा, वो कैसे आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना है इसको लेकर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुके हैं, आप उसे एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि आपका दूसरे रजिस्ट्रेशन से जब आपका जो फॉर्म है वह पूरी तरीके से अप्लाई हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो आपका पहला रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपने गलत डिटेल्स को फिल किया होता है वो वहां से इरेज कर दिया जाता है, यानी कि डिलीट कर दिया जाता है, तो आसानी से आपका यहां पर एक नया रजिस्ट्रेशन होकर और यहां पर आपका फॉर्म आसानी से भर जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट को यह जान लेना भी काफी जरूरी होगा कि अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है या फिर अगर आपने अभी कोई नया रजिस्ट्रेशन किया है और उस रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दिया है और उस गलत रजिस्ट्रेशन से आपने कोई भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जैसा कि अभी आपको पता है, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि अभी जैसे एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का भर्ती चल रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है या फिर नया किया होता है और उसमें कुछ गलती कर देते हैं और उस गलत रजिस्ट्रेशन से एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद वही कैंडिडेट क्या करता है कि यहां पर एक दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेता है और दूसरा रजिस्ट्रेशन करके वापस से अपने सेम डिटेल के साथ में यहां पर दोबारा से एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर देता है, क्योंकि उस कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये डिटेल्स हमारा पहला वाला गलत था तो ये हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जिस प्रकार हम यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करके एक सही तरीके का फॉर्म फिल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन से एसएससी का कोई भी एक फॉर्म अप्लाई नहीं करना है सेम टाइम पर। अगर आप दोस्तों ऐसा करेंगे तो एसएससी में आपके दो फॉर्म पहुंच जाते हैं सेम डेटा के साथ में और जिस वजह से आपके दोनों फॉर्म डुप्लीकेट होकर यहां पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो कभी भी आपको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन से किसी एक भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। अब चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड के बारे में। देखिए, बहुत बार कैंडिडेट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कैंडिडेट पहली बार एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने आते हैं। देखिए, कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई पहली बार एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने कैंडिडेट आया है तो उसको वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो होती है योर डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट की। अब देखिए, कैंडिडेट ने पहले कभी भी एसएससी में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया हुआ होता है लेकिन फिर भी जो डाटा होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आता है तो ऐसे में कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने में काफी बड़ी परेशानी होती है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको दो बड़े सोल्यूशन इसके बता देता हूं। अगर आपके सामने भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है या फिर किसी के सामने आती है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला जो सलूशन होता है, अगर आपके सामने डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो पहला सलूशन ये है कि आपके एसएससी रीजन का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले तो आपको उनका ईमेल आईडी लेना है और उनके ईमेल आईडी पर आपको एक मेल करना होगा जहां पर आपको बताना होगा कि ऐसे ऐसे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, कृपया करके आपके डेटा को इरेज किया जाए। ठीक है, तो वहां से एसएससी की तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि आपको हमेशा अपने एसएससी रीजन में ही अब जो मेल है वो करना होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको सीधा हेडक्वार्टर में कर देना है या फिर किसी दूसरे रीजन में आपको मेल करना है, आपको अपने रीजन के ही एसएससी हेडक्वार्टर में मेल करना होगा। अब देखिए, अगर आपका इससे भी काम नहीं बनता है तो दूसरा यहां पर सबसे बड़ा मेथड आता है जो कि बिल्कुल जेन्युइन मेथड होता है। देखिए, होता क्या है कि जो आप डिटेल्स वहां पर फिल कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको थोड़ा सा उस डिटेल्स में चेंजेस करना होता है।
देखिए चेंजेस कैसे करना है कि जो आप वहां पर सब, देखिए यहां पर चार चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए चारों चीजों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्या क्या आपको चेंज करना होता है अपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर। पहला होता है कि जो आप वहां पर मेल वगैरह डाल रहे हो, सबसे पहले तो आपको उस मेल को चेंज करना है। दूसरा यहां पर होता है कि आप जो वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालते हो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर, वो आपको चेंज कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी का यूज करके रखा हो, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट की। इसके बाद क्या करना है कि जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को भी थोड़ा सा आपने चेंज करके देख लेना है। सबसे पहले तो आपका जो रोल नंबर है 10th क्लास का, उसको बिल्कुल वैसा ही आपको फिल करना है। अगर फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आपको सिंपली अपना जो रोल नंबर है 10th क्लास का, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करके देख लेना है। उसके पीछे आपने हाइफन लगा देना है रोल नंबर के पीछे, या फिर एक जीरो वगैरह आप आगे भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो यहां पर अगला नंबर आता है, चौथा पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट दोस्तों ये होता है कि जो आप वहां पर आईडी वगैरह अपना फिल कर रहे हैं, लाइक हो सकता है कि सबसे पहले आप अपना वोटर कार्ड वगैरह दे रहे होते हैं, तो अब आपको अपना आईडी भी चेंज करके दूसरा कोई आईडी डालना है। यहां पर आप वोटर कार्ड की जगह पर पैन कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन करने में जो आप आईडी वगैरह डाल रहे होते हैं, अब आपको वो नहीं डालना है, बल्कि आपको यहाँ पर कोई दूसरा सा आईडी डाल देना है। और जब आप ऐसे करके फिल करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो आपका दो लिमिट मिलता है वो लिमिट ओवर दिखा रहा है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अभी SSCGD कांस्टेबल के ऑनलाइन अप्लीकेशन कराए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए जाते हैं तो जो आपको दो लिमिट मिलनी चाहिए रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने की, वो नहीं मिली है, बल्कि वहां पर लिखा आ रहा है लिमिट इज ओवर। तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आपको यहां पर दो बड़ी चीजें हैं जिनको आपको जल्दी से यहां पर कर लेना है, ताकि आपको भी यहां पर जो रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने के दो लिमिट मिलती है वो मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहां पर जब भी कोई SSC का भर्ती आता है तो यहां पर SSC की तरफ से बहुत पहले बताया जा चुका है कि आपको दो मौके दिए जाते हैं, यानी कि दो लिमिट दी जाती है अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करने की। अब देखिए जो यहां पर पहला तरीका होता है, आपको सबसे पहले वही करना है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पर पहुंचेंगे, और उस पेज में जाकर आपको क्या करना है कि वहां पर आपको एक ईमेल का फॉर्मेट प्रोवाइड कराया गया होगा, उस ईमेल के फॉर्मेट को आपने फिल कर लेना है अपना नाम और रजिस्ट्रेशन डालकर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपके जो रीजन है उस रीजन के SSC हेडक्वार्टर में उस ईमेल को मेल कर देना है, ठीक है। जैसा फॉर्मेट प्रोवाइड कराया गया है बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट आपको वहां पर मेल कर देना है, जिसके बाद हो सकता है कि आपको रिप्लाई मिले, या फिर जब बहुत सारा वहां पर मेल पहुंचता है तो इसके बाद इसको लेकर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको जो दो लिमिट है वो जरूर मिलनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, गलत तरीके से फॉर्म को फिल मत कीजिए, अभी आपको कम से कम 7 से 8 दिन का वेट कर लेना है यहां पर। इसके बाद देखिए दूसरा जो यहां पर मेथड होता है वो ये है कि आपको वहां पर जो पेज पर आप क्लिक करके पहुंचेंगे, वहां पर आपको एक फीडबैक का बटन देखने को मिलेगा, और उस फीडबैक के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि SSC में अपना फीडबैक देना है, नाम, ईमेल वगैरह जो भी आपको बताया जा रहा है उसे आपने सब कुछ फिल कर लेना है। और जो नीचे यहां पर कमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस कमेंट के बॉक्स में वही जो आपको मेल का फॉर्मेट प्रोवाइड कराया गया था उसे पूरा फिल करके आपको कमेंट बॉक्स में भेज देना है, जिससे क्या होगा कि आगे चल के आने जो 2 या 3 दिन होंगे, 2 या 3 दिनों के अंदर जो आपका यहां पर दो लिमिट आपको मिलनी चाहिए मॉडिफिकेशन की, वो आपको यहां पर मिल सकती है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि अगर आपको फीस पेंडिंग को लेकर कोई परेशानी आ रही है तो इसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए होता क्या है कि बहुत बार जब कैंडिडेट यहां पर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करते हैं तो वहां पर उनका पेमेंट तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन आपका 24 घंटे या फिर काफी समय निकलने के बाद भी जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं दिखाता है। तो देखिए ऐसे में यहां पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 24 से 48 घंटे का जो आपको समय दिया जाता है उसे बिल्कुल आपने इग्नोर कर देना है। अगर आपने यहां पर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो कम से कम आपको 2 से लेकर 4 दिन का वेट कर लेना है, ठीक है। अगर 4 दिन के बाद भी, देखिए आपको वेट तब तक करना है जब तक आपका वहां पर पेमेंट स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। देखिए क्या होता है कि यहां पर 3 से या फिर 4 दिन के बाद क्या होगा कि या तो अगर आपका पेमेंट फेल होना होगा तो वहां पर आपका फेल्ड लिख के आ जाएगा, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होना होगा तो वहां पर आपका जो पेमेंट होगा सेक्शन उसके अंदर आपका सक्सेसफुल लिखाएगा। तो जब तक आपका वहां पर पेमेंट है वो आपका पेंडिंग दिखा रहा है तब तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। और यहां पर 3 से या फिर 4 दिन का समय आपको कभी कभी लग जाता है ऑनलाइन पेमेंट में आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने में या फिर कोई पेमेंट की तरफ से रिस्पांस मिलने के लिए। तो यहां पर दोस्तों आपको बस यही करना है। इसके अलावा अगर एक बार आपने ऑनलाइन पेमेंट किया और वो पेमेंट आपका फेल्ड हो जाता है तो फिर कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको ऑफलाइन चालान निकालकर उस ऑफलाइन चालान में जाकर पैसों को बैंक में जाकर जमा करना है। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह रहेगी, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी
यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेमेंट आपका कहीं नहीं जाता है। जब तक आपका पेमेंट जो है पेंडिंग दिखा रहा है 3 से 4 दिन के अंदर, तब तक आपको बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है उसके ऊपर, और इसके बाद आसानी से आपका जो पेमेंट है वो यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए जरा बात कर लेते हैं विदाउट डेट ऑफ फोटो के बारे में। देखिए एसएससी के नियम के अनुसार एसएससी का जब भी कोई भर्ती आता है तो वहां पर जो आप अपना फोटो वगैरह अपलोड करते हैं तो उस फोटो के ऊपर डेट का होना कंपलसरी है। अगर आप बिना डेट का फोटो अपलोड कर देते हैं तो डेफिनेटली फिर जो आपका फॉर्म है उसे रिजेक्ट होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। जैसा कि पिछली भर्तियों में देखा गया है कि जिन बच्चों ने यहां पर जो फोटो था फोटो के ऊपर डेट वगैरह नहीं डाला था तो उनके जो फॉर्म थे रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने बिना फोटो के ऊपर डेट नहीं डाला है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपका जो डेट है फोटो के ऊपर कहां होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं। देखिए अगर जैसे आपका फोटो इस प्रकार का होता है तो जो यहां पर एसएससी का नियम कहता है उसके अनुसार जो बॉटम होता है यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका जो डेट है वो डाला होना चाहिए। अब यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है बल्कि कोई डेट डाल देना है जब आपका फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म के 3 महीने के अंदर का ही कोई डेट डाल देना है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो फेस होता है उनका फोटो में उस फेस के ऊपर यहां पर डेट डाल देते हैं, तो कि कभी भी फोटो में आपको फेस के ऊपर डेट नहीं डालना है। फेस को छोड़कर आप किसी भी जगह पर यहां हो गया यहां होगा कहीं पर भी अपना डेट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना है तो डेफिनेटली फिर आपका जो डेट है वो यहां पर बॉटम में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको यह बता देते हैं कि क्या अगर आपने यहां पर जो अपना फोटो के ऊपर डेट नहीं डाला है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो देखिए आपके लिए क्या हो सकता है। तो देखिए अगर आपका फॉर्म एक बार फाइनल सबमिट हो गया है तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको केवल इतना करना होगा कि आपको वेट करना है। हो सकता है देखिए कोर्ट का डिसीजन है कि फोटो के ऊपर डेट डालना चाहिए एसएससी के, ठीक है, जो भी फॉर्म आते हैं तो यहां पर कोर्ट का डिसीजन है, पता नहीं कब बदल जाए क्या नया डिसीजन आ जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपने फोटो के ऊपर डेट नहीं डालना है तो अब आप अपनी तैयारी करना छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे और हो सकता है कि आपको भी यहां पर मौका दिया जाए। हालांकि यहां पर 50% आपके पास केवल चांस होंगे, 50% चांस होंगे कि आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहां पर देखिए हम आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम कर दिया है या फिर आपने किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट किया है अपने फॉर्म में और फॉर्म हो गया है आपका फाइनल सबमिट, तो देखिए एक बार अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आप यहां पर दूसरा रजिस्ट्रेशन करके दूसरा फॉर्म अप्लाई कर नहीं सकते हैं, उससे भी आपका फॉर्म कैंसिल होना है। तो यहां पर अगर आपका फॉर्म एक बार फाइनल सबमिट हो जाता है तो आप फिर उस फॉर्म में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर यह आपके ऊपर जो एसएससी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट करना या फिर एक्सेप्ट करना है। तो यहां पर सबसे पहले चीज मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी आप अपने एसएससी के किसी भी फॉर्म को अप्लाई करें तो एक बार उसका प्रीव्यू निकालकर जरूर देख लें कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही फिलअप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।